भाभी ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कोई वीआईपी नहीं है जिनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाए। किसी काम के लायक नहीं है ये, इसीलिए नौकर की तरह जी रहा है। थैंक यू। हीरा जी एक मिनट रुकिए। माधुरी, कविता, रानी जरा यहाँ आना। मैं आप लोगों से कह रही थी ना, एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलवाती हूँ। यही है वो, हीरा ठाकुर। हीरा जी ये मेरी सहेलियाँ हैं, माधुरी, कविता, रानी, सीता। ये देखने में जितने सिंपल हैं उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। अगर हम लोग किसी को भीख देंगे तो क्या देंगे? रोटी, पैसा, कपड़ा, ये ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में पालेंगे। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इतनी महान है ये। आप जाइए ना, आओ हम चलते हैं। क्या बात है गौरी? दीदी ये कौन है? ये अपनी उर्मिला की ननद है, आईएएस कर रही है। ओ इसीलिए इतना कर रही है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरोहरी ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। क्या बात? क्या बात करने के लिए आपने मुझे यहां बुलाया? वही सोच रही हूं कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए ना। मुझसे शादी करेंगे? मुझे आपकी खूबियां और अच्छाइयां भा गई हैं। घर चलिए, आपके माँ पिताजी बहुत परेशान होंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अनपढ़ के पास पढ़े लिखों के सवाल का जवाब नहीं होता। होता है। मैं आपके टूटे दिल पर तरस खाने नहीं आई, बल्कि इसलिए आई हूँ कि आपसे जुड़ने के बाद कभी मेरा दिल नहीं टूटेगा। देखिए, मेरा मेरे परिवार और तकदीर दोनों से अनबन है। मुझसे गम या खुशी कोई भी चीज संभाली नहीं जाती। गौरी आपकी जिंदगी से जा चुकी है, फिर भी आप उसकी यादों को संभाले हुए हैं, फिर मेरा प्यार क्यों नहीं संभलेगा? मैंने गौरी को भुला दिया है। नहीं, गौरी ने आपको भुला दिया है। प्यार दो दिलों की दास्तान है, ऐसे साथी के जाने का क्या गम जिसके पास दिल को समझने वाला दिल ही ना हो। गौरी की गलतियों को अपने सर लेकर आपने उसका भला ही चाहा। आपकी यही खूबी मुझे आपके करीब ले आई। मुझे आपसे प्यार हो गया है, आप मेरे साथ वो मत कीजिएगा जो गौरी ने आपके साथ किया। थोड़े दिनों में बहुत से सपने देख लिए मैंने। अब नींद से जगाना या नींदे उड़ाना आपके हाथ में है। कल सुबह मैं इसी जगह आपका इंतजार करूंगी। डैडी, यही मेरी पसंद की पजेरो कार जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। इस गांव में इतनी कीमती कार? भाई साहब जी, ये गाड़ी किसकी? देशराज ठाकुर साहब की। थैंक यू वेरी मच जी। जग्गा लाइए मालिक। क्या कह रहे थे वो लोग? कार की तारीफ कर रहे थे मालिक, कह रहे थे ऐसी खरीदना चाहते हैं। ओ अच्छा, Thank you.
गाड़ी? ये गाड़ी तो हमने स्टेशन के पास खड़ी देखी थी ना डैड। हाँ, यहाँ कौन लाया? वॉचमैन। एक साहब आए थे, चाबियां और चिट्ठी देंगे। गांव के दामाद को हमारी तरफ से भेंट, देशराज ठाकुर। ठाकुर? डैड, ये देशराज ठाकुर कौन है? नहीं। क्या आदमी है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ बेटा अर्जुन, जो बिना किसी वजह के भानु प्रताप के दामाद को 20 लाख की गाड़ी मुफ्त में दे दूं। ये मेरे दूर की सोच है, इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ, भानु प्रताप ने जिस वकील के घर अपनी बेटी ब्याही है वो करोड़पति है। अच्छा? हाँ। अगर उसकी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ हो जाए तो मैं जब चाहूं उस भानु प्रताप को जलील कर सकता हूं। वो कैसे? देखो अर्जुन, जब वकील की बेटी बहू बनकर हमारे घर आएगी तो हम उसे तंग करेंगे, तब वकील वही करेगा जो हम कहेंगे और भानु प्रताप वो करेगा जो वकील कहेगा। लेकिन पिताजी क्या वो मान जाएंगे? ठाकुर साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी आपकी तरह तुरंत फैसला करने की आदत है। ठाकुर साहब, हमारी बेटी IAS करना चाहती है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, शादी कर देते हैं, वो पढ़ती रहेगी। नहीं, फिर भी हमें उसकी राय भी तो जान लेनी चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है, शादी ब्याह की जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप की होती है। ठाकुर साहब, आप ये रिश्ता पक्का समझिए। किससे किससे पूछकर आपने मेरी शादी तय की है? राधा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैंने हीरा को पसंद किया है, उन्हीं से शादी करूंगी। क्या तू उस जाहिल गवार लफंगे से शादी करेगी, जो अपने बाप से अपने आप को बेटा न कहलवा सका, तू उससे शादी करेगी? हाँ, हीरा मेरी नजर में हीरा है। तुम्हारी बातों में दम है बेटी। तुम चुप रहो जी। माँ, शादी मेरी 18 तारीख को ही होगी, लेकिन अर्जुन से नहीं, हीरा से। ये मेरा फैसला है। लो पसीना पोछो। हीरा, राधा ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। राधा की चिट्ठी? ला। हाँ, पढ़ पढ़, मुझे भी पढ़ के सुना। अरे एक मैं हूँ इस गांव में इकलौता 10वीं पास ग्रेजुएट, मेरे पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा उठा? ला मुझे दे। सुन डियर, ए बगलोल, चल भाग यहाँ से, शर्म नहीं आती दूसरों का प्रेम पत्र सुनते हुए, भाग यहाँ से। जा रहा हूँ। अरे क्यों से भगा रहे हो? अरे मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई तो पकड़ा जाऊंगा ना, भाग। चल पढ़ पढ़ पढ़। प्रिय हीरा जी, मेरी मम्मी ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर दी है। आने वाली 18 तारीख को मेरी शादी होने वाली है। लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस फैसले को रोक नहीं पा रही हूँ, मगर आप चाहे तो इसे रोक सकते हैं। 18 तारीख को वेद मंत्रों से बंधा जाने वाला मंगलसूत्र मैं आपके हाथों पहनना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, फैसला आपके हाथ में। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है हीरा, क्या करेंगे अब? नहीं मिंद्रा, मैं राधा को इस तरह मरने नहीं दूंगा। तो एक काम कर, राधा को मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दे कि राधा की शादी होगी तो सिर्फ हीरा से। छोटे बाबू, छोटे बाबू, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बड़े मालिक ने मुझे बुलाया? हाँ छोटे बाबू। तू सच कह रहा है ना? हाँ छोटे बाबू। नहीं नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि जाओ जाके हीरा को बुला के लाओ? हाँ छोटे बाबू। बाबूजी ने मुझे बुलाया, मुझे मुझे बाबूजी ने बुलाया। Thank you.
शारदा भीम। जी बाप जी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी के न्योता देने। हीरा आपका बेटा है, इसके सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रिश्तेदार समझकर अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी करेगा? इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करके वो ऐन मौके पर शादी करने से इनकार कर चुका है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए, राधा को मैं संभाल लूंगी। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबू जी। शारदा इससे कहो कि राधा को भूल जाए, अगर ये ऐसा करता है तो करण वर्ण की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इससे पूछो इसे राधा चाहिए या पाप। मेरे गले में मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, यह आपको तय करना है। इसे पूछो इसे राधा चाहिए या पाप। मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे पूछो फांसी का फंदा, इसे राधा चाहिए या पाप। मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे राधा फांसी का फंदा। आइए आइए। नमस्ते जी। आइए आइए। तेरे पिताजी तुझे बेटा कहीं सिर्फ यही सुनना चाहते हैं तेरे कान। राधा की वेदनाएं उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता तू। हीरा प्यार सदियों में किसी नसीब वाले का दरवाजा खटखटाता है। राधा के प्यार ने तुझे आवाज दी है, बहरा मत बन, लांग जा बाप की लक्ष्मण रेखा को। किसी इंसान का गुस्सा उसकी उम्र से बड़ा नहीं होता। जा जा थाम ले राधा का हाथ हीरा, जा। अरे राधा, अभी तक तो तैयार नहीं हुई, चल जल्दी कर, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी हीरा का इंतजार कर रही हूँ। वो नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता। पहन ले। देख राधा, मैं तेरी जिद के आगे झुकूंगी नहीं। लोगों में मेरी जगह सही हो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी?
दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के माला पहना दीजिए। दुनिया की रीति रिवाज से परे भगवान को अपना साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकारता हूं।